लाख की भी मानी जा रहा है। 84 लाख यूनियन है जिसे पक्षी अंडिया तो पैदा हो गए, पक्षी जड़े है कि ना पसीने पैदा हो गए और कुछ है ने बनस्पतियां सब्जियां और कुछ है ने जेब तो पैदा हो गए जानवर, ये सारिया खानिया 84 लाख योनिया के बीच आ जाती है। कहते ये सारिया चीज़ा जड़िया ने सब कुछ कहता है, ये सब उस कर्ता पुरख के अधीन है। फिर पड़े नाम नहीं होंगे, नाम जपन की शक्ति नहीं होंगी और कुदरत का भी हुक्म है कि भाई इंसान ही नाम की कमाई कर सकता है, उसको ही नाम की प्रसाद सदगुण देता है। और इसने नाम दूसरा दसिया कि ये मनुष्य के बीच क्या है, एक परा नाम है। नाम चार किस्म के ने, परा नाम है जिहड़ा कि योगी जन अपनी नाभी तो उठा के हजोर लेके और वो नाम का सिमरन करते हैं। और एक है प्रशांति और एक है मध्यमा और एक है बैखरी। मध्यमा जो प्रशांति जरा कंठ चक्कर तो नहीं करते, वो हिरदे तो करते हैं। और जो मध्यमा है कंठ तो करता है वो हिरदे तो करता है, और जोड़ा मूँह तो करता है उस बैखरी कहते जबान दे नाम। और जोड़ा हिरदे तो करता है वो हिरदे के अंदर ही उस नाम का सिमरन करता है जो भी उसमें गुरु देता है। और बैखरी मूँह के नाम जो राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण भाई गुरु यह बैखरी है। और जोड़ा उपरला नाम है तीसरे दिल तो उत्ते चलता है जोड़ा नाम वो सतगुरु देता है, वो नाम जोड़ा है सिमरन करने वास्ते देता है। और ना ही सतगुरु उसको कहता है कि तू ध्यान कर गुरु का निहार मस्तक और माथा आँख और माथा, अखा भी देखो गुरु दी और उसे मस्तक को भी निहारो ताकि अंदर तुहाडे सतगुरु का स्वरूप आए शरीर तौर के उत्ते और तुहाडे अंदर फिर सतगुरु अपनी शक्ति के नाल तुहाडे अंदर शब्द दा करता है प्रसाद देता है तुहानू शब्द का। और जब देता है उसको पता होता है भी मैं किस वे देना है, क्योंकि जीव अपने मते नाम से शब्द नहीं लै सकता, और गुरु को आप ही पता होता है और गुरु उसको उस चीज़ की शिक्षा दे देता है कि तू गुण सिमरन को थोड़ी देर कर ध्यान गुरु का कर और नाम शब्द को सुनने की कोशिश कर मस्तक तो। ये चीज़ा जी सतगुरु कहता है की बाणी सब सच कर जानो गुरु सिखो हरी आपे करता मूहो कढाए। वो जी बाणी गुरुआ ने लिखी है दरबार साहब के विच ये सारी बाणी कहते ने सिखा कहते ने शिष्या कहते ने सेवकों कहते ने कि यह तुम बाणी सब सच करके जानो गुरु सिखो गुरु देव प्यारे सेवको इस बाणी को सत सत करके जानो। हरी करता जरा वो करता है तो गुरु के मुँह अपने आप कटाता है और वो जी लिखी जाती है और फिर जीव उसका उच्चारण भी करते हैं और उसको समझने की कोशिश भी करते हैं कि यह की कहना है। प्रश्न बड़े पागल होते हैं, बहुत उच्ची किस्मत हो गई और असी तो लग नहीं सकते सबको, सतगुरु खुद अपने जीवन में लगता है और उन्होंने अंदर गुरु सेवा का प्रसाद बख्शता है। गुरु जीवित गुरु जरा है उन्हें उसके सत्संग ही बैठ के सू ज्ञान मिलता है और उसके सत्संग ही बैठ के जीव के अंदर प्रेम जागता है गुरु के वास्ते। और गुरु सेवा के बिना यानी गुरु के चरणों से बैठांगे सत्संग सुनांगे ये भी एक किस्म की सेवा है आत्मा की, आत्मा को गुरु का ज्ञान मिलता है और इस तरीके जीव जरा है गुरु की कृपा का प्रसाद पा जाता है। यानी सत्संग सुन सुन के समझ समझ के कुछ हत्था पैरों सेवा की कुछ आत्मा नाल की इस तरह की सेवा करता करता वो गुरु की प्यार और उसके सेवा जी कि जीव
करते ने और उसका प्रसाद उन्होंने नाम की शक्ल के मिल जाता है। नाम नाम दो किस्म के ने, एक है वर्णात्मक नाम और एक है गुणात्मक नाम। वर्णात्मक नाम वह है जो लिखन और पढ़न नहीं चाहता है, जिम्मे तुम पंज नाम सिमरन करते हो। और धुनात्मक नाम जरा शब्द है, एक गुरु जिमी देव पिकर ना चाहे वो भी जो शब्द का द्वार नहीं खुलता। शब्द बुझाए सो सतगुरु पूरा, उन चरण की हो जा धूरा। लच अलच न देख कोई, कोई गुण दोष न देखनी है, किंज खाता है, किंज पीता है, किस नाता है, किमें जागता है। और पहचान करो मत कोई, कोई पहचान उसकी ना करो, सिर्फ देखो कि वो साढ़े अंदर शब्द देता है और उस शब्द प्रसाद लैके उसका विचार करो और उसके उत्ते अपना ध्यान टिकाओ। गुरु का प्यार कहन और सुनन तो बड़ा उच्चा है। यह लेखक पढ़ते नहीं आ सकता कि यह प्यार दी की परिभाषा इका आदमी नहीं समझ सकता। बिल्कुल वो जिसने जीव गुरु के बिच रथ हो जाता है, गुरु के ध्यान, गुरु की सेवा, गुरु के प्यार, तो नाम जो है आत्मा के अंदर इन्नी शक्ति है कि उसको खुद खुद जीव को समझ आना पड़ता है कि ये जो नाम है बहुत उच्चा है, अगम है, अथाह है, अपार है। इस नाम की महिमा जबान के नाम नहीं की जा सकती। दसा कि इन खाणिया ने इन बाणिया ने, लेकिन गुरु जो आप है साक्षात, एक प्रत्यक्ष वो शक्ति का मालिक है। ही इज द क्रिएटर ऑफ नाम। और यह नाम क्यों, जी चीज नाम की शक्ति है, जरा उत्तर क्रिएटर करता पुरख निर्गुण शक्ल के बीच है, वो जी उपर आसमान से भर्ती करके गई रूह ने उन्होंने चूज करके उन्होंने थले भेजता है और वह प्रत्यक्ष रूप के इंसान की शक्ल बन के वो भजन बंदगी करते हैं और जीवन सत्संग और ज्ञान दे के अंतरमुख उन्होंने आत्मा करते हैं। जैसे कि जिस तरह अभी बाहर मुखी हाँ, साड़ी आत्मा बिखरी हुई, कभी अखा के जरिए, कभी कन्ना के जरिए, कभी मूँह के जरिए, तरह तरह के जिन्हें साड़िया इंद्रिया ने उन्ने ही साढ़े ख्याल ने, उन्ने ही विचार ने, यानी बिखरी हुई। इसनों सतगुरु नाम दे के पहला कहते हैं सिमरन करो। सिमरन करने मतलब कि सिमरन करोगे तो आत्मा जी बिखरी हुई है इकट्ठी होकर तीसरे दिन पर आ जाए। और सतगुरु का ध्यान करो और साउंड सुनो। साउंड जी अंदर होंगी पी है उसनों सुनो। उसनों सुनने के नाल ही समझ लो सा रस्ता शाह रख दे उत्ते जान का साफ हो जाता। जिनी देर तक साउंड नहीं सुनते असी ठीक तरीके उन्नी देर तक जीव जरा है वह अद विचकार ही रहता है। इस करके साउंड सुनना बहुत जरूरी है। शब्द जितनी बाणिया तुम देखो शब्द का जिक्र कर दिया, नाम का जिक्र कर दिया, गुरु के ध्यान का जिक्र कर दिया। दरबार साहब के जिनी बाणी है सब संत मर्दी बाणी है। जिन्हें भी गुरु होए थे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह तिकर तो उन्होंने को नीली भी सी पीली भी सी, सब के अंदर वो शब्द से जब लड़ाइया गुरु गोबिंद सिंह ने लड़िया सी उस समय उन्होंने देवी को सिद्ध किया, शक्ति को सिद्ध किया। तो उसका यह नहीं मतलब कि उन्होंने अंदर वो धार कम नहीं सी करनी, सब चीज़ा उस तरह ही सर। इस करके गुरु के वल ध्यान करना और गुरु के स्वरूप को हमेशा निराकार रूप के अपने अखा के अगे रखना, यह सब नाल वड्डी बंदगी है। ये सब नाल वड्डी बंदगी है। और इस दे विच सावण जी है बहुत ही क्लीयर होती है और आत्मा को शांति मिलती है, प्रसन्नता आती है, खुशी मिलती है।